कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है जैसे यदि किसी एक बॉल पर फाइव न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो बॉल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारा यह जानना आवश्यक है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है क्योंकि तो बॉल तभी मूव कर सकता है जब फोर्स डाउनवर्ड ना लगाया जाए क्योंकि डाउनलोड लगाया जाएगा तो बॉल का जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा और यदि कहीं और से लगाया जाएगा तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसलिए फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना अनिवार्य है ऐसे ही कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इन दोनों क्वांटिटीज को भी कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है इन प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी में क्या हम उसी प्रकार का एल्जेब्रा यूज़ कर सकते हैं जिस प्रकार का हम स्केलर क्वांटिटीज के साथ यूज़ करते थे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एक कंटेनर में एक बॉल थ्री मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वो कंटेनर खुद भी फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपने लेंथ के पैरल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एक सेकेंड बाद उस बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा चूंकि वो बॉल कंटेनर में थ्री मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो कंटेनर खुद भी फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से वो बॉल वर्टिकल मोशन के साथ साथ हॉरीजेंटल मोशन भी शो करेगा तो इसका मतलब यह है कि एक ही साथ उस बॉल के पास दो दो वेलोसिटी आ गई हैं एक वेलोसिटी उसे वर्टिकली मूव करा रही है और दूसरी हॉर्जेंटली मूव करा रही है एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल फिगर हमें ये बता सकता है कि वो बॉल एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेस होगा तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से वो बॉल एक सेकेंड में फाइव मीटर डिस्प्लेस होगा तो इसका मतलब यह है कि दो वेलोसिटीज़ जो कि थ्री मीटर पर सेकेंड और फाइव मीटर पर सेकेंड की मैग्नीट्यूड की हैं कंबाइंड होकर हमें फ़ाइव मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रिजल्टेंट के रूप में दे रही और वहीं यदि ये फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होते तो हमें रिजल्टेंट सेवन यूनिट का मिलता तो इसका मतलब यह है कि इन प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते उनके लिए एक स्पेशल रूल होता है जिसको हम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है और वो क्वांटिटीज यदि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं तब हम इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टॉर्क एसेट्रा इस सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है और ये ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं इसलिए ये वैक्टर क्वान्टिटीज़ हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते जैसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है लेकिन इसमें ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज और रजिस्टेंस पर डिपेंड होते हैं जो कि दोनों ही स्केलर हैं और दो स्केलर कंबाइन होकर एक वेक्टर नहीं दे सकते इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो